ये सब क्या हो रहा है? ये आप मैं ठीक हूं। ये कौन है विधान? भैया आपकी हिफाजत के लिए अब से 2400 घंटे आपके साथ सिक्योरिटी रहेगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ छोटे। जरूरत है बेटा, कल रात जो हादसा हुआ उसके बाद जरूरी है कि तुम्हारे साथ 24 घंटे सिक्योरिटी रहे। डैड मैं ठीक हूँ, अब देखिए चोट भी ठीक। बेटा अपने डैड की इतनी सी बात नहीं मानोगे तो, पिछले 7 सालों में तुम्हारी सब बातों को मैंने माना, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें मानना होगा। मेरा समझने की कोशिश करो, एक बाप के लिए अपने बच्चों की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। हाँ जी ना भैया, मैंने अच्छे से समझा दिया कि आपके काम के आड़े नहीं आएंगे। बेटा कल रात जो तुम पे हमला हुआ उसमें तुम्हारी जान जा सकती थी, इसका मतलब तुमने जो दुश्मन बनाया वो बहुत गहरे दुश्मन है। वो ऐसे नहीं कि वो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, हो सकता है वो दोबारा कोशिश करें तुम पे हमला करने की। प्लीज ठीक। सुरेश राउत को नहीं मार सकते मतलब? हाँ क्यों नहीं मार सकते उसे? उसके आसपास टाइट सिक्योरिटी हो गई है, हर समय 4 आदमी उसके साथ रहेंगे। अभी काम हमारे बस का नहीं रहा, इसके लिए हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो सिक्योरिटी तोड़कर शिकार करने में माहिर हो। जानते हो किसी ऐसे आदमी को? हाँ बॉस, एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। कौन ढूंढ रहा है देवराज को? वो जिसकी बस तुम्हें देने के लिए इतना पैसा है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आराम से निकल जाएगी। देवराज काम बताओ। इसे मारना है जान से। अरे काम करने की जो तुम कीमत लेते हो मुझे पता है। काम हो जाएगा, 7 दिन में काम हो जाना चाहिए। भगवान भली करे, हम तुमको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और तुम अपने बापू की बात सुन रहे हैं। चल उसे बताते हैं, चल चल बताते हैं, चल और बैठ यहाँ, अभी देख तू। भली करे फिर सुनेगा छुप छुप के अपने बापू की बात सुनेगा? फायदा नंबर 10 याद का, अब से तूने फिर अपने बापू की बातें छुप छुप कर सुनी ना फिर देख तो कुछ सुनने लायक नहीं रखूंगी तुझे। चुप चुप के नहीं सुन रहा था मां। नहीं सुन रहा था? इतना चुप पहुंच अपने पहुंच, मगर मच के आंसू दिखा रहा है मुझे है? चल जा काम पे। और हाँ बात कान खोल कर सुन, मॉल कम है ना फिर देखना क्या हश करती है। जा रुकी, खबरदार जैसे हाथ भी लगाया तो। ये नीचे वाली लेयर में ना साटिन मत रखवाना, ललिता काकी को बोलना कि शिफॉन में एक सैंपल ट्राई कराए। जी जी माँ।
बॉर्डर पे बुकरम लगवा दूं? हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है, ट्राई करवा के देख। ये ले। अरे बीना जी आप। अरे बीना जी नमस्ते। कैसी हैं आप? आप तो हमें भूल ही गई। आपको कोई भूल सकता है क्या? 3 साल पहले जयपुर मिल मजदूरों के जो आपने किया, अगर आप नहीं होती तो 150 मजदूरों का रोजगार चला जाता। एक आप ही तो थी जो हमारे मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ गई थी और जीती भी थी। तभी तो आप सबने मिलकर चीची माँ को टेक्सटाइल यूनियन का लीडर बनाया था। आप अपनी बहन की ही नहीं, हम सब मजदूरों की चीची माँ है और आज भी याद है मुझे वो। 3 साल पहले जो भी हुआ उसे छोड़िए, आप इधर आइए बैठिए। धन्यवाद। और बताइए कि आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या लस्सी, क्या मंगवाऊं आपके लिए? कुछ नहीं शुक्रिया, मैं बीते साल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वही सब कुछ दोबारा होने जा रहा है जो पहले हुआ। मतलब? एक कंपनी है जहाँ के मजदूरों को मैनेजमेंट से बहुत प्रॉब्लम है। हम यूनियन वाले चाह रहे थे कि इसे आपस में बैठ के सुलझा लें और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसे कैसे परेशान ना करें, बताइए ना क्या बात है। वो कंपनी रावत टेक्सटाइल है। आप बताइए ना क्या बात है। वो कंपनी रावत टेक्सटाइल है पर हमारे बात करने से कुछ नहीं हो रहा है। कारीगरों को भरोसा है कि अगर आप उनके लिए लड़ेंगी तो उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। इसलिए मैं सब मजदूरों की तरफ से आपसे विनती करती हूँ। पीना जी, चीची माँ आपको सोच के बताएंगी। मैं लड़ूंगी आपके लिए। वादा करती हूँ आपसे, कारीगरों की मुश्किल जरूर सुलझाऊंगी, मैनेजमेंट के साथ जो भी समस्याएं वो जरूर हल होंगी। हमें पता था जीजी माँ, आप हमें निराश नहीं करेंगी। जीजी माँ आप ये। मैं जानती हूँ बिट्टू तो क्या कहना चाहती है। इन कारीगरों का साथ दूंगी तो सुरेश मुझसे और नाराज हो जाएंगे, पर बीना जी बहुत उम्मीद लेकर आई थी मेरे पास और पिछले 3 सालों में इन कारीगरों ने बहुत भरोसा दिखाया है मुझ पर अपना, मैं इन्हें मना नहीं कर सकती। जीजी माँ बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है आपका और जीजू का रिश्ता, अगर ऐसे में आप उनके खिलाफ जाएंगी तो। मैं सीधा उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी बिट्टू, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी पहले। वो सुनेंगे आपकी। जियो मेरे लाल जियो।